हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्हाइल यू वेयर स्लीपिंग के कोरियन ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुलिस ऑफिसर जो और जे चैन को पहले हॉस्पिटल और फिर पुलिस स्टेशन जाने को कहता है। दोनों एम्बुलेंस में बैठते हैं। जे चैन जो से पूछता है, तुमने मेरी बात पर यकीन कैसे किया? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो कभी यकीन नहीं करता और शायद मुझे गुस्सा भी आता। जो उसे बोलती है, तुम्हें सपना आया था जो सच हो गया। जे चैन उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता? जो उसे बताती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, पर कुछ भी हो जाए वो सपना सच होकर ही रहता है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जे चैन जो से पूछता है, जो सपना देखते हैं वो कितने समय बाद रियल में बदल जाता है? जो बताती है, कोई निश्चित समय नहीं है, एक दिन, एक महीना और कभी कभी अगले ही पल भी सच हो सकता है। और जे चैन को बताती है कि तुम ही एक हो जिसने भविष्य यानी भाग्य को बदलकर एक व्यक्ति की जान बचाई है। इससे पहले मैंने कई बार कोशिश की पर मैं किसी की जान नहीं बचा पाई। जे चैन उसे कहता है, अगर मैंने भाग्य को बदलने की कोशिश की है, क्या इसका कोई बुरा परिणाम होगा या अच्छा? जो उसे कहती है, मुझे नहीं पता, पर जैसे बहते हुए पानी के बहाव को बदलो तो वह दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है, वैसे ही जो होने वाला था होने नहीं दिया गया है तो समय किसी और राह पर चल पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली सन, जो जे चैन के भाई सियोंग की क्लासमेट है। पियानो की स्टेज परफॉर्मेंस के बाद उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। वहीं उसके पेरेंट्स भी होते हैं। उसकी मदर अचानक से वहीं बेहोश हो जाती है। एक आदमी को मदर की बॉडी पर मार पिटाई के निशान दिखते हैं। वह तुरंत पुलिस को फोन करके डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट दर्ज करता है। उसके फादर उस आदमी को कहते हैं, यह मैंने नहीं किया, पर पुलिस वहां पहुंचती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। यह पुलिस वाला आदमी वही व्यक्ति होता है जिसे जे चैन ने एक्सीडेंट में बचाया था, और वहीं पीछे जे चैन का भाई सियोंग भी खड़ा होता है, यह सब देख रहा होता है। वह वहाँ ली सेन को कॉन्ग्रेचुलेट करने आया होता है और वह ली सेन को पसंद भी करता है। सियोंग ली सेन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ली सेन बुखलाई होती है। सियोंग को धमकी देती है, जो भी यहाँ हुआ है या जो तुमने देखा है किसी को नहीं बताओगे। सियोंग कहता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरी ओर जे चैन और जू अभी भी हॉस्पिटल में ही होते हैं। जो जे चैन से पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारे लिए तो यह एक सपना ही था, अपनी नई कार तोड़ने और खुद को चोट पहुंचाने के बावजूद मुझे बचाने का क्या कारण है? जे चैन जू को कहता है, पता नहीं। लेकिन जू कहती है, मुझे पता है, बताओ तुम मुझे कब से पसंद करते हो? जे चैन उसे कहता है, ये क्या बोल रही हो? मैं और तुम्हें पसंद करता हूँ? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। जो उसे कहती है, जब मैंने तुम्हें हक किया था तभी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना, तभी तुमने मुझे भी गले लगाया। जे चैन उसे कहता है, वो तो तुमने मुझे हक किया था तभी मैंने तुम्हें किया। जो उसे कहती है, अगर कोई प्यार नहीं है तो फिर इतनी देर तक हक करने का क्या कारण था? या तुम हर लड़की को इसी तरह हक करते हो? जे चैन कहता है, ऐसा नहीं है। जो उसे कहती है, इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। जे चैन उसे कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो, टॉपिक को कहाँ ले गई? लेकिन जू चुप नहीं होती और कहती है, जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे घर राइस केक लेकर आए थे तभी मेरी आवाज सुनकर क्या तुम मुझ पर फिदा हो गए थे? और तुमने मेरे घर के सामने घर भी इसी लिए लिया है ना? जे चैन सोचता है, यार हद हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जे चैन का भाई सियोंग से पूछता है, आपका सामने वाली लड़की के साथ क्या चल रहा है? क्या आप दोनों डेट कर रहे हो? जे चैन उसे कहता है, तुमने मरने की सोची है या फिर तुम्हारे जीने से मन भर गया है? जे चैन का भाई उसे कहता है, तुम उसकी इतनी चिंता करते हो और उसके चक्कर में तुमने अपनी नई कार भी तुड़वा ली है, तो और मैं क्या समझूं? दूसरी ओर जो अपनी मदर को बताती है कि जो सामने वाले घर में नया लड़का आया है जे चैन, मुझे लगता है वो मेरे पीछे पूरा दीवाना है। उसकी मदर उसे कहती है, तो उस योबम वकील का क्या होगा जिसे तुम डेट कर रही हो? जो अपनी मदर को कहती है, आप उसकी तो बात ही मत करो, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में मुझे भी फंसा सकता है।
उससे तो मैं ब्रेकअप करने वाली हूँ। दूसरी ओर जे चैन अपने भाई को बताता है कि जू को लगता है मैं उस पर फिदा हूँ, बस वह खुद के बारे में ही सोचती है। ऐसे पागल लोगों की कोई निशानी होनी चाहिए ताकि उन्हें देखते ही दूर हटा जा सके। जे चैन को जू पर बहुत गुस्सा आता है। तभी जू उसके घर के दरवाजे पर चावल लेकर पहुँचती है, लेकिन जे चैन दरवाजा नहीं खोलता। मुझे तुम्हारे चावल नहीं खाने और मेरा कर्ज भी उतारने की कोई जरूरत नहीं है। जू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जे चैन ट्रेन में होता है। जू भी वहाँ होती है क्योंकि उसने पहले ही सपने में देख लिया था कि आज जे चैन इस प्लेटफॉर्म से चढ़कर अपने काम पर जाएगा। जू जे चैन को उस पर विश्वास करने को कहती है, हम दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद जे चैन अपने स्टेशन पर उतरता है। पीछे पीछे जू भी उतरती है और उसे छाता देते हुए कहती है, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जे चैन जू को बताता है, मुझे यकीन है पर इन सब पर मैं यकीन नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे दोबारा वैसे सपने आए तो उसकी जिम्मेदारी पूरी मुझ पर आ जाएगी। कोई मुसीबत में हो और मैं उन्हें ना बचा सका तो मैं क्या करूँगा? मैं इस भार को नहीं संभाल सकता। अपनी इस सेवा के लिए तुम किसी और को ढूंढो, और उसे छाता वापस कर देता है। जू उसे बोलती है, सिर्फ तुम ही हो जो भाग्य को बदल सकते हो। लेकिन जे चैन उसे कहता है, हमारे जैसे और भी 3-4 लोग होंगे, तुम थोड़ी कोशिश और करो, तुम्हें जरूर मिल जाएंगे, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तेज बारिश हो रही है पर जे चैन के पास छाता नहीं होता। यानी जू जे चैन को छाता इसलिए दे रही थी क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि बारिश होने वाली है। जे चैन को भीगते हुए ऑफिस जाना पड़ता है। दूसरी ओर ली सन के फादर का केस यूबोम हैंडल कर रहा है। यूबोम फादर को कहता है, मैं पूरे मैटर को देख लूंगा और हॉस्पिटल में भी बात कर इसे एक छोटा सा मारपीट का मामला बना दूंगा, और आपको अपनी वाइफ से एक लेटर लिखवाना होगा कि वह आपको सजा नहीं देना चाहती, तो आपको कोई सजा नहीं होगी और मामला सफाई से निमट जाएगा। इसके बाद जू यूबोम को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। भूल जाओ हमारे बीच कुछ था। इसके बाद सियोंग ली सन से मिलने जाता है और उससे उसकी मदर का हाल पूछता है। ली सन उसे बताती है, वह ठीक है और मैंने तुम्हें कहा था इस मैटर में अपनी टांग मत अड़ाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग जू को एक और सपना आता है। वह उसे लिखती है, अपने बड़े भाई के कारण सियोंग खूनी बन गया। जू सोचती है, सियोंग और उसका बड़ा भाई कौन है? तुमको नहीं पता कि सियोंग जे चैन का भाई है। स्कूल में सियोंग ली सन से पूछता है कि मैंने तुम्हें इंटरनेट पर सर्च करते हुए देखा था, तुम मारने के लिए तरीकों को ढूंढ रही थी, क्या तुम अपने फादर को मारने वाली हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ली सन उसे कहती है, मैं ऐसा अपनी मदर को बचाने के लिए कर रही हूँ, अगर वह नहीं रहेंगे तो मेरी मदर शांति से रह पाएगी। सियोंग उसे कहता है, पुलिस को पता चल गया है, अभी तो किसी वकील ने उसे ट्रायल पर भी भेज दिया होगा। तुम्हारे पिताजी को सजा मिल जाएगी, वह जेल चले जाएंगे, तुम यह सब क्यों कर रही हो? ली संग उसे कहती है, मेरे फादर को कोई भी लॉयर या प्रोस्टिक्यूटर सजा नहीं दिलवा पाएगा कि वह इतने पावरफुल है। इसके बाद यो प्योप जे चैन के पास आता है और उससे ली संग के फादर के डोमेस्टिक वायलेंस के केस को रफा दफा करने को कहता है, उस पर साइन करके। वह मेरा पुराना कस्टमर है। जे चैन सारे पेपर्स चेक करता है और विक्टिम से बात करता है। विक्टिम अपने हस्बैंड के डर से बोल देती है, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। जे चैन फोन काट देता है और यूबोम को बोलता है, अब समझ आया, आप ऐसे सारे केस निपटाते हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप कह रहे हो यह आपका पुराना कस्टमर है, तो ऐसे कितने कान कर रखे हैं जो आपकी जरूरत इसे पड़ती है, और आपकी कार और सूट पूट को देख कर लगता है आप अपने केस की मोटी रकम वसूल करते होंगे, तो इतने मामूली से केस में आप इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? यूबोम उसे कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जे चैन उसे बताता है, इस तरह नकली पेपर बनाकर विक्टिम को धमकी देकर उससे स्टेटमेंट लेकर बहुत से घरेलू हिंसा मामलों को दबा दिया जाता है। यूबोम उसे कहता है, क्या तुम मुझसे कोई पुराना बदला ले रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझ तक रखो, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को बोलकर मुझसे ब्रेकअप भी करा दिया है और यहाँ पर भी परेशान कर रहे हो मेरे केस में। जे चैन उसे रिप्लाई करता है, दोनों मामलों को आपस में मत जोड़ो, जो हो चुका है और जो ये केस है दोनों अलग है। योब्योम उसे कहता है, मामले को यहीं खत्म करो और केस पर साइन करो, बच्चे की तरह मत करो। लेकिन जे चैन नहीं करता। दूसरी ओर सियोंग और
और ली संग अभी भी स्कूल में होते हैं। ली संग सियोंग को श्योर होकर कहती है कानून उसकी मदर को नहीं बचा पाएगा। इसके बाद जे चैन ऑफिस में काम करते हुए सो जाता है और एक डरावने सपने के साथ उठता है। सपने में उसका भाई पुलिस से बचकर उसके पास आता है और उसे बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो। जे चैन सपने से जागकर तुरंत अपने भाई सियोंग को कॉल करता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ हो। सियोंग उसे बताता है, मैं स्कूल में हूँ, क्या हुआ। जे चैन उसे स्कूल से सीधा घर आने को कहता है और कॉल कट कर देता है। जे चैन खुद को समझाता है यह सिर्फ एक सपना है, पर उसे याद आता है उसने सपने में देखा था कि जू भी वहाँ थी जो बोल रही थी, मैंने कहा था मुझ पर यकीन करो, यदि यकीन किया होता तो यह सब नहीं होता। जे चैन जो के पास जाता है और उससे पूछता है, मुझे भी यह सपने आते हैं, क्या वजह है इसकी। जो उसे बताती है, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है हम दोनों के साथ। वहीं बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है कि जे चैन और जो के फादर की डेथ सेम डे हो गई थी और उसी दिन दोनों बचपन में एक दूसरे से मिले थे। प्रेजेंट में जे चैन जो से मदद मांगता है और उसे बताता है कि तुम मेरे सपने में आई थी, तुम्हारी बात ना मानने के लिए तुम नाराज थी और मेरे भाई सियोंग को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। जो उसे पूछती है, सियोंग तुम्हारा छोटा भाई है। जे चैन उसे बताता है हाँ। जो उसे बताती है, मेरे सपने में उसने किसी का मर्डर कर दिया था और सियोंग सपने में कहता है कि यह सब मेरे बड़े भाई के कारण हुआ है, उसने अपने बड़े भाई के कारण किसी का मर्डर कर दिया। दूसरी ओर सियोंग स्कूल में ली संग को कहीं जाता हुआ देख लेता है। ली संग एक स्टोर पर कुछ लेने पहुंचती है, सियोंग उसे फॉलो करते हुए वहां पहुंच जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।